यहाँ मूक दर्शक बनने नहीं आया, अपितु असुर जाति को न्याय दिलाने आया हूँ। किंतु आपके न्याय मांगने का ढंग उचित नहीं है शुक्रदेव। उचित अनुचित की परिभाषा में पढ़ने का इच्छुक मैं नहीं शिवशंकर। आप असुरों के आराध्य हैं, किंतु आपने भी असुरों पर हुए अन्याय के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। शांत हो जाएं शुक्रदेव। इस महासम्मेलन को विवाद का मंच न बनाएं। जप तप व्रत जैसी कल्याणकारी भावना पर विवाद अनुचित है। सर्वप्रथम इस पर चर्चा पूर्ण हो जाने दें, उसके पश्चात हम आपके प्रस्तावों पर अवश्य विचार करेंगे। विचार अभी और इसी समय करें श्री विष्णु। सर्वप्रथम असुरों को उनका सम्मान और अधिकार दें, तत्पश्चात चर्चा प्रारंभ करें। अर्थात आप ये महासम्मेलन प्रारंभ होने देने के इच्छुक नहीं हैं। इस व्यर्थ वाद विवाद का परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा। आपको ये वाद विवाद शोभा नहीं देता है शुक्रदेव। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके समर्थन और स्वीकृति के बिना हम कोई निर्णय नहीं करेंगे। मुझे आप पर तनिक भी विश्वास नहीं है। छल से असुर सेनापति राहु का शीश काटने वाले, मोहिनी रूप धारण कर असुरों के साथ पक्षपात करने वाले श्री विष्णु से मैं भली भांति परिचित हूं। मुझे ज्ञात है असुरों के प्रति आप सबके मन में तनिक भी सहानुभूति नहीं है। आप महासम्मेलन में भी छल बल पूर्वक अपनी अपनी बात मनवाने पर तुले हैं। बैठ जाइए। नहीं, कदापि नहीं। अपनी बात की स्वीकृति प्राप्त किए बिना मैं नहीं बैठूंगा। मैं विरोध करता रहूंगा। ब्रह्मा जी, देवाधिदेव शिवशंकर, इस विवाद को यहीं समाप्त कर देना उचित होगा, अन्यथा इस महासम्मेलन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हम आपसे पूर्ण सहमत हैं जगदीश्वर। जगत पालक श्री विष्णु, आप इस महासम्मेलन के अधिष्ठाता हैं। इस विवाद के अंत का उपाय करने का आपको पूर्ण अधिकार है। शुक्रदेव, हम अंतिम बार आपसे अनुरोध करते हैं कि आप असुरों के विषय में अनावश्यक विवाद उत्पन्न न करें, सम्मेलन का उद्देश्य पूर्ण होने दें। मैंने निश्चय कर लिया है वैकुंठपति, असुरों को न्याय दिलाए बिना मैं नहीं बैठूंगा। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुचित हट का परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। मैं विष्णु घोषणा करता हूं कि शुक्रदेव के शरीर में स्थित देवत्व मात्र उनके ग्रह नक्षत्र भाग में सीमित हो जाएं। दैत्यों के पक्षपति रूप शुक्रदेव के शरीर से भिन्न होकर शुक्राचार्य के रूप में स्थापित हो। जो कि दैत्य गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा।
आपको इस महासम्मेलन से बहिष्कृत किया जाता है। शुक्राचार्य, ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवतागण सुनने, मैं अपने इस घोर अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं दैत्यों को इतना शक्तिशाली बनाऊंगा कि वे आपके जप तप और व्रत की समस्त योजनाओं को ध्वस्त कर सकें।